दोस्तों यार, इंडिया में टेक चैनल खोलने या फिर कहीं भी टेक चैनल खोलने से सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपको बहुत सारे बड़े बड़े कंपनियों के तरफ से आपको रिव्यू यूनिट मिलते हैं, जैसा कि दोस्तों मुझे आज मिल चुका। और बेसिकली एक महीने के इंतजार के बाद, एक महीने अप्लाई करने के बाद मुझे आज मेरे घर पे ये रिव्यू यूनिट पहुंच चुका है। और भैया ये जो रिव्यू यूनिट है ये है भैया करीब $30 का, आप समझ सकते हो काफी महंगा रिव्यू यूनिट है। और भैया ये भेजा गया मुझे बैंगूट की तरफ से, जैसा कि आप जानते होंगे बैंगूट इज अ वेरी वेरी बिग साइट, बिग कंपनी फॉर एनी आइटम। अगर आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम परचेज करने जाते हो तो वहां पर आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट मिलते हैं। और भैया ये जो रिव्यू यूनिट आया है वो आया है आउट ऑफ इंडिया, यानी कि स्विट्जरलैंड के तरफ से, तो इसीलिए बहुत ज्यादा टाइम लग गया। तो मैं आज ये नहीं बताऊंगा कि ये रिव्यू यूनिट मैंने कैसे लिया, या फिर आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, या फिर आपका सब्सक्राइबर कम है फिर भी आप कैसे ले सकते हो। आज मैं दोस्तों आपको ये बताने वाला हूँ कि इसमें आखिर है क्या ऐसे बॉक्स में, लेकिन भैया छोटे से बॉक्स में आपको बहुत ही बड़ा धमाका देखने को मिलेगा। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिए, बहुत ही ज्यादा मजेदार और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो। वो प्रोडक्ट का पैकेज और पैकेजिंग की बात करें तो भाई पैकेट बहुत ही ज्यादा गंदा हो चुका है। बेसिकली एक महीने के ट्रेवल के बाद ये स्विट्जरलैंड से हांगकांग होते हुए इंडिया आया है, दिल्ली, फिर दिल्ली से कैलकाटा, कैलकाटा से फिर पटना के बाद मेरे गांव में मेरे पोस्ट ऑफिस में बेसिकली थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था। और यहां पर आप देख सकते हो, सबसे पहले देख लो यहां पर आपका कुछ इस तरह का मैनुअल कुछ आ जाता है, यहां पर QR कोड आ जाता है, बार कोड आ जाता है, ये ट्रैकिंग नंबर आ जाता है। और यहां पर देख लो यहां पर पैक्ड बाई सी कस्टम्स, ये कस्टम में भी चेक होता है। सबसे पहली चीज आपको मैं बताने चाहता हूं, अगर आप इंडिया आउट ऑफ इंडिया से कोई प्रोडक्ट आता है तो कस्टम में चेक होता है। चलो सबसे पहले मैं इसको ऑलरेडी सुबह में मिला था और ऑलरेडी मैं इसको फाड़ चुका हूं। ये आप फाड़ते हो तो एकदम जस्ट लाइक इस तरह का कुछ आपके सामने आता है। यहां पर ये पूरी तरह से फोम का एक कवर है, फोम के कवर में ये पूरी तरह से पैक रहता है। उसके बाद दोस्तों आपको एक और ऊपर से कवर मिलता है, और कवर मिलने के बाद भैया इसको भी हम लोग साइड में रखते हैं। उसके बाद भैया हमारा आता है ये पैकेट। तो चलो यार बिना टाइम वेस्ट किए चलो इस डब्बे को फटाफट से खोलते हैं। आगे पीछे कुछ नहीं है, उतना ज्यादा लिखा हुआ है बारकोड और QR कोड है। दोस्तों यहां पर इसको खोलते हैं, यहां से ये ओपन होगा। ये ओपन होने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाता है। बेसिकली ये एक भैया डब्बा है यार, मुझे डब्बा भेजा गया है क्या बैंगूट की तरफ से, डब्बे का मैं रिव्यू करूंगा। यहां पर ये डब्बा है दोस्तों जो कि काफी ज्यादा प्रीमियम लुक लग रहा है, एकदम ब्लैक शाइनिंग ब्लैक कलर में है। और भैया ये डब्बा इतना ज्यादा स्मॉल है कि आप आराम से इसको हैंड में भी छुपा सकते हो। ये देख लो, हैंड में भी इसको आप छुपा सकते हो, पता नहीं चलने वाला है। तो चलो इस डब्बे को भी साइड में रखते हैं, बताऊंगा कि इस डब्बे में है क्या, तो इस डब्बे को भी साइड में रखता हूं। और भैया इस बॉक्स में आपको मिल जाता है ये एक आपको चार्जर। अब डब्बे को भी भैया चार्ज करना पड़ेगा, तो चलो इसको हम साइड में रखते हैं। और यहां पर भैया आपको मिल जाता है, चलो इसमें अभी मैं नहीं दिखाऊंगा इसमें, तो एक और सरप्राइज है। यहां पर दोस्तों आपको कुछ और मैनुअल इंस्ट्रक्शन गाइड मिल जाते हैं, यहां पर कुछ पेपर वर्क मिल जाते हैं। तो चलो इन सारे चीजों को साइड में रखता हूं। अब देखता हूं कि बैंगूट ने आखिर क्या रिव्यू यूनिट भेजा है भाई। तो यहां पर देख सकते हो दोस्तों, यहां पर सबसे पहले आपको एक मिल जाता है USB पोर्ट यहां पर चार्जिंग के लिए, जो कि ये USB पोर्ट USB केबल जो है वो इसमें इंसर्ट होगा। अब दोस्तों चलिए इस डब्बे को खोलते हैं, देखते हैं इस डब्बे में है क्या। तो भैया ये डब्बा खुल गया, और भैया यहां पर हमें मिल जाता है दो एकदम छोटे छोटे से ईयरफोन्स। और भैया ये ईयरफोन्स आप सबसे पहले दिखा देता हूं, उसके बाद निकालूंगा। तो ये आप देख सकते हो काफी अच्छे काफी स्टाइलिश लुक्स के ईयरफोन और बहुत ही छोटे छोटे हैं। और आपको एक चीज पता होना चाहिए दोस्तों, ब्लिट्स कंपनी एक काफी अच्छी कंपनी है, और भैया ब्लिट्स कंपनी का कॉपी करके सैमसंग इसी तरह का ईयरफोन बनाने का कोशिश किया था। तो भैया चलो अब इसको हम लोग हटाते हैं। तो भैया ये यहां से मैंने इसको निकाल दिया, अभी मैं इसको साइड में रखता हूं। और ये भी एक यहां से निकाल दिया, दो आपको दो ईयर्स के लिए, एक लेफ्ट के लिए एक राइट के लिए। अब भैया इसके अंदर आपको अब कुछ नहीं मिलता है, बेसिकली कहां से मिलेगा, दोनों तो चीज मैंने निकाल दिया। अब आप लोग सोच रहे हो कि ये डब्बा है क्या, तो भैया ये जो डब्बा है ये चार्जिंग के लिए है, ये जो डब्बा है ये चार्जिंग के लिए। और इसका मैं एक और बात बताऊं, इसके अंदर बैटरी भी है, इसके अंदर जो है वो बैटरी भी, आप इसको एक बार चार्ज करके आप ये ईयरफोन को डालकर दोनों को आराम से एक साथ चार्ज कर सकते हो, जो कि काफी अच्छा चीज है। यहां पर आप देख सकते हो यहां पर जो USB पोर्ट है इसी में आपका चार्जिंग केबल लगेगा, और ज्यादा कुछ नहीं। यहां पर आप देख सकते हो यहां पर आपको दो पिंस मिल जाते हैं ये दोनों ईयरफोन्स के लिए। यहां पर देख लो येलो रंग का एक इधर पिंस है और एक इधर पिन है। अब दोस्तों मैं आपको ईयरफोन दिखाता हूं कि ईयरफोन का
क्या मामला है। तो ईयरफोन दोस्तों कुछ इस तरह का आपके सामने आएगा, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर सिर्फ आपका एक ही बटन मिलता है, बाकी ये फुल्ली ऑटोमेटिक है। आप एक बार प्रेस करोगे तो ये ऑन होगा, दो बार प्रेस करोगे, अगर लगातार दो बार प्रेस करते हो तो ये गूगल असिस्टेंट भी बन जाएगा। गूगल में आप कुछ भी बात कर सकते हो, यहाँ से गूगल को कुछ भी असिस्टेंट कर सकते हो, जो कि काफी बढ़िया चीज है। यहाँ पर आपको दोनों ईयरफोन फुल्ली ऑटोमेटिक मिलते हैं, ज्यादा इसमें बटन नहीं है, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। प्लस में यहाँ पर आपको माइक भी मिलता है, माइक का बहुत ही अच्छा क्वालिटी है, बहुत ही अच्छा क्वालिटी होने वाला, बेसिकली करीब $25-30 का है यार, तो अच्छी क्वालिटी तो होगा ही ना। अब दोस्तों चलो इसको मैं चार्ज करके दिखाता हूं कि ये चार्ज कैसे होता है और आपको इसको चार्ज कैसे करना है। तो इसको चार्ज करने के लिए दोस्तों आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, यहां पर आपको जैसे जैसे कवर है उसी के तरह इसमें आपको इंसर्ट इसको कर देना है। तो चलो इसको मैं यहां पर इंसर्ट कर देता हूं, और भैया ये है लेफ्ट वाला, तो इसको मैं यहाँ पर इंसर्ट कर देता हूँ। दोस्तों एक और खासियत मुझे ये अच्छी लगी कि ये जो है ये दोनों मैग्नेटिक है, देख लो आप, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से इसको आप ऐसे निकालते हो, इसको आप ऐसे छोड़ोगे, यहाँ पर ये ऑटोमेटिक ले लेगा, अपने आवाज सुना होगा, देखना। तो ये काफी अच्छा, दोनों जो है वो बहुत ही मैग्नेटिक है, जो कि आपका बहुत ही अच्छा चीज है। अब दोस्तों देखो एक चीज मैं और दिखाता हूं, यहां पर आप देखो ये दोनों दोनों को मैंने इसमें डाला तो ये ऑटोमेटिक लाइट को ब्लिंक कर रहा है, मतलब कि ये जो है इसके अंदर भी बैटरी है। और ये जो है अगर आपके पास केबल नहीं रहता है तो आप इस डब्बे के मदद से भी आप दोनों को चार्ज कर सकते हो, जो कि एक बहुत ही बढ़िया चीज है। अब मान लो इस डब्बे का जो बैटरी है भैया वो खत्म हो गया, तो वो खत्म हो गया भैया, तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपके पास चार्जर हो तो उससे भी आप कर सकते हो, और नहीं तो अगर लैपटॉप है, जैसा कि मैं लैपटॉप में डाल रहा हूं, और डाल के यहां पर आपको इसको डाल देना है तो ये आपका जो है चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। यहां पर आप देख लो, यहां पर जो लाइट है वो लगातार ब्लिंक करने लगेगी ब्लू कलर की, और यहां पर जो चार्ज अगर हो रहा है तो ये जो लाइट है ये व्हाइट दिखेगा, इधर भी व्हाइट दिखा, और फुल्ली चार्ज हो गया है। अगर अगर आपको पता कैसे चला है कि ये जो ईयरफोन है वो फुल्ली चार्ज हो गया, तो अगर फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो हर 2 सेकंड में ये जो ईयरफोन का जो ऊपर का व्हाइट कलर का जो लाइट है, जैसा कि आप देखो, ये 2 सेकंड में 4 टाइम ब्लिंक करेगा, जो कि काफी बढ़िया चीज है। तो मेरे हिसाब से ईयरफोन काफी अच्छा चीज है। और एक चीज और इसका मैं बताता हूं, अगर मान लो इसको तो बेसिकली ब्लूटूथ से कनेक्ट होगा, और मान लो कि अगर मान लो कि आपको एक ही ईयरफोन लगाना है तो आप एक ईयरफोन को भी कनेक्ट कर सकते हो, और अगर आपको दोनों ईयरफोन लगाना है तो दोनों ईयरफोन को भी आप कनेक्ट कर सकते हो, जो कि एक काफी बढ़िया चीज है। तो मेरे हिसाब से ये काफी अच्छी क्वालिटीज का ईयरफोन है, और बहुत ही अच्छा इसका साउंड क्वालिटी है। और दूसरी चीज दोस्तों मैं बताऊं तो ये बहुत ही कम प्राइस में आता है, इतने कम प्राइस में मैं आपको बताता हूं एक चीज, आप ध्यान से सुनना, अगर आप कोई भी वायरलेस हेडफोन लेते हो तो उसमें तार वार का झमेला रहता ही रहता है, और बहुत ही ज्यादा भद्दा दिखता है। अगर आप जिम जाते हो, कहीं और जाते हो, स्पोर्ट्समैन हो या फिर कहीं घूमने जाते हो, ये आपके लिए बहुत ही अच्छी चीज होने वाला है, स्टाइलिश लुक्स भी आपको देगा और काफी ज्यादा पर्सनालिटी भी डेवलप करेगा, और गाना साउंड क्वालिटी भी काफी अच्छा है। तो इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो एक बार जाकर इसको आप चेक करो, परचेज करो, बैंगूट की तरफ से काफी अच्छा प्रोडक्ट है। थोड़ा सा टाइम लगेगा डिलीवरी में, लेकिन भैया हो जाएगा, लेकिन बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट। आज की अनबॉक्सिंग आपको काफी पसंद आई होगी, ये रिव्यू यूनिट भैया मुझे बैंगूट की तरफ से मिला, और ये कैसे मिला वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगा। और देख लो ये मैंने दोनों ईयरफोन लगा रखा है, और आप साउंड की क्वालिटी देख सकते हो, काफी बेहतर है यार, मेरे हिसाब से काफी बढ़िया चीज है। तो इसी बात एक लाइक तो बनता है, लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे अगर नया है तो नीचे देगा लाल बटन पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और बगल वाले नोटिफिकेशन बेल को दबा दे, ताकि इसी तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिल सके। चलिए दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।